अस्सलाम वालेकुम, आई खालिद बशीर, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ मश्क एंड जेम्स प्राइवेट लिमिटेड। ट्रांसपायर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ईद की तातीलात अपने प्यारों के साथ मना रहे होंगे। आई एम ऑल्सो ऑन हॉलीडेज बट आई हैव गॉट सम लेटेस्ट डिवेलपमेंट फ्राम यू के इमिग्रेशन, सो आई हैव डिसाइडेड टू शेयर विद यू गाइज वंस अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ फ्राम यू के गवर्नमेंट अबाउट यू के वीज़ा एंड इमिग्रेशन। ऐसे अफराद जिन्होंने ऑलरेडी यूके अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो या कोई और भी टेम्प्रेरी कैटेगरी का वीज़ा, उनके लिए तफसीलात जारी की गई हैं। उसके अलावा वो तमाम अफराद जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं और वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ या उसके ख्वाह हैं, उनके लिए भी तफसीलात जारी की गई हैं। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं यहाँ पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन तमाम अफराद के बारे में जिन्होंने ऑलरेडी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दी है एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर डिसीजन, जो कि अभी तक पेंडिंग है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि वीज़ा सेंटर्स तमाम क्लोज हैं। तो इस सूरत में उन तमाम अफराद को अभी वेट करना पड़ेगा अपने लोकल वीज़ा सेंटर्स एप्लीकेशन सेंटर ओपन होने का। अगर आप यूरोप, मिडिल ईस्ट या अफ्रीकन कंट्रीज से में रहते हैं तो आपको TLS से राबता करना पड़ेगा। वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान और इंडिया या श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं उनको VFS ग्लोबल से राबता करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या फैमिली रियूनियन वीज़ा, किसी किस्म के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, दे हैव ग्रांट देयर वीज़ा जो कि अमूमी तौर पर इनिशियली 30 डेज का होता है और ड्यूरिंग COVID-19 वो एक्सपायर हो गया है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो उनका जो वीज़ा है वो रिप्लेसमेंट वीज़ा उनको इशू करेंगे विदाउट एनी फर्दर फी। ठीक है, उस सूरत में उनको कोरोना वायरस इमिग्रेशन हेल्प सेंटर को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन। इसके अलावा वो तमाम अफराद जिन्होंने स्टार्टअप वीज़ा, इनोवेशन वीज़ा, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए उनके पास एंडोर्समेंट लेटर आ चुका है लेकिन वो एक्सपायर हो गया है, तो वो स्टिल उसी एक्सपायर लेटर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। यूके बॉर्डर एजेंसी वन बाय वन तमाम एप्लीकेशंस को असेस करेगी और अपना फाइनल डिसीजन देगी वंस दे स्टार्टेड देयर वर्क। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप यूके में मौजूद हैं और आपकी वीजा की जो एक्सपायरी डेट है वो 24 जनवरी से 31 जुलाई के दरमियान है, तो यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया आपका वीजा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 जुलाई तक। यानी अगर किसी का वीजा फरवरी में एक्सपायर हुआ है तो वो भी स्टिल वहां पर एलिजिबल होगा या ऑटोमेटिकली उसका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा अप टू 31 जुलाई। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने ऑलरेडी अपना वीजा जो है वो एक्सटेंड करवा चुके हों प्रीवियस डिसीजन के तहत 31 मई 2020 तक, तो वो भी उनका भी वीजा 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। एक और बहुत अहम खुशखबरी, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम अफराद के लिए जो कि यूके में ऑलरेडी मौजूद हैं, कि यूके गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड द वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज। उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल है, उसमें Tier 4 और स्टूडेंट कैटेगरी, Tier 2 विजिटिंग एकेडमिक रिसर्चर्स और शॉर्ट टर्म वीजा होल्डर आर परमिटेड टू वर्क। तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं टिल 31 जुलाई तक। इसके अलावा वो अफराद जो ऑलरेडी वर्क वीजा पर मौजूद हैं यूके में और वो COVID-19 से पहले अपने स्पॉन्सर के साथ ही जॉब कर रहे थे, बट आफ्टर COVID-19 वो अपने स्पॉन्सर के साथ जॉब नहीं कर पा रहे, तो वो विदाउट परमिशन ऑफ देयर स्पॉन्सर वो कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा NHS के एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो एम्प्लॉयज या वो स्टाफ जो कि NHS डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जितने भी, उनके और उनकी फैमिली का वीजाज भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। एक और जो बात है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है अगर आपने Tier 2 या Tier 5 के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है और आपका डिसीजन पेंडिंग है, ठीक है, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए 3 शराइत
जो आपने पूरी करनी है वो होना बहुत जरूरी है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का होना बहुत जरूरी है, और आपके जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर जो जॉब मेंशन है आपने वही जॉब करनी है, और सबसे अहम बात दैट यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ योर प्रीवियस एप्लीकेशन, इसका होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये तीन चीजें पूरी करते हैं तो आप जो है वो अपना फर्दर काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज है इसके, वो टियर 4 स्टूडेंट कैटेगरी की है, जो स्टूडेंट वहां पर मौजूद है और वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके डिसीजन अभी पेंडिंग है या उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं और डिसीजन पेंडिंग है, तो वो अपना नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना बहुत जरूरी। नंबर वन, आपका स्पॉन्सर टियर 4 का स्पॉन्सर लिस्ट में होना चाहिए और आपके पास ऑलरेडी आपका कैश लेटर मौजूद हो। नंबर 3, यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर प्रीवियस एप्लीकेशन। एंड नंबर 4, आप वही कोर्स स्टार्ट करेंगे जो आपके कैश पे मेंशन है, तो तब आप अपना नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्टली, सबसे अहम चीज कि वो अफराद जो कि यूके लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अमूमी तौर पर इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए यू हैव टू लीव यूके, बट इन करंट सर्कमस्टांसेस यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 31 जुलाई तक आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं यूके में रहते हुए। तो गाइज, ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं, लेटेस्ट अप डेवलपमेंट थी जो मैं आपसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। जहां भी रहें खुश रहें, अल्लाह आपका हामी और नासिर। थैंक यू वेरी मच।